हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीटेट 2013 पेपर फर्स्ट का हिंदी भाग, जो भाषा वन है हिंदी भाग, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर 31 देखते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए, कपटी मित्र के लिए जो है सही मुहावरा क्या है वो आपको बताना है। दांत काटी रोटी, या आस्तीन का सांप, या अक्ल का दुम, या आबनोश का कुंदा। तो इसमें सही ऑप्शन बनता है आस्तीन का सांप, ये इसका सही मुहावरे का अर्थ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 32। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका जितेंद्रिय, ठीक है। दूरदर्शी किसको कहते हैं? जो दूर की सोचता हो। और दत्तचित्र किसे कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करना। और कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। पवन का संधि विच्छेद है, जो पवन का संधि विच्छेद है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है पा प्लस अवन, दूसरा है प प्लस वन, तीसरा है पो प्लस अन, चौथा है पो प्लस अन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पो प्लस अन, ये पवन का संधि विच्छेद है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसमें संधि कौन सी है? संधि स्वर संधि होती है, दीर्घ, उसमें 5 पार्ट होते हैं ना, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि, तो इसमें है स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि का कौन सा पार्ट है, उसके 5 पार्ट हैं कि नहीं है? तो उसमें एक संधि आयादि संधि, उसमें क्या होता है, देखिए ए ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे यहाँ ओ के बाद आ आया है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आ हो जाता है। तो यहाँ पर ओ प्लस आ है, तो क्या हो गया, औ हो गया है, ठीक है। तो देखिए औ मतलब पवन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ वह आ छिप जाता है, वह आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है आपको। पुनर् प्लस जन्म होगा, या पुह प्लस नर जन्म होगा, पुनः जन्म होगा, या पुनर्जन्म होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पुनः जन्म, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है विसर्ग संधि। 35 नंबर प्रश्न है, इत्यादि संधि में कौन सी संधि है? इत्यादि वर्ड जो शब्द है इसमें संधि बतानी है। यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या दीर्घ संधि है? तो इसमें देखिए यण संधि आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए यण संधि का रूल क्या होता है, ई या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, तथा रि के बाद अगर भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, भाई ई है, बड़ी ई है, का या हो जाएगा, तथा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है, और ऋण का री हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये है ही यदि, इसका विच्छेद क्या है, यण संधि तो है लेकिन इसका विच्छेद है यदि प्लस, सॉरी इत्यादि है, इति प्लस आदि होगा इसका। ऐसे और एग्जांपल हैं, यद्यपि होता, जैसे यदि प्लस अपि हो जाता है, न्यून है, नी प्लस ऊन हो जाता है, तो उसमें क्या है, इत्यादि यण संधि है, ठीक है, इसका विच्छेद होगा इति प्लस आदि। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 35 हो गया, 36 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या है? 36 नंबर देखिए, ए है नाक में चोट लगना, ये गलत है। इज्जत देना, ये भी गलत है। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये आपका सही ऑप्शन बनता है। चापलूसी करना, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अब चापलूसी करने का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है तलवे चाटना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम, ऑप्शन सी बनता है रोपण, ठीक है। अब इसमें देखिए और जो वर्ड दिए हैं, इनका विलोम क्या होगा, उत्थान का पतन होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अवनति का उन्नति होता है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है, ठीक है। आदिकाल को इन्होंने कौन सी संज्ञा दी है वो बताना है।
चारण काल है, आदि काल है, या वीर काल है, या बीज वपन काल है। तो इन्होंने इसे संज्ञा दी है बीज वपन काल के नाम से। 39 नंबर प्रश्न है, अति सुधो स्नेह कुमारग है, ये लाइन है किसकी पंक्ति है, मतलब ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन है आलम, या बोधा, या ठाकुर, या घनानंद। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें घनानंद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर देखिए, कालिंदी क्या पर्यायवाची क्या है। जो कालिंदी है, जैसे कबीरदास जी का दोहा सुना होगा आपने ना, कालिंदे के तीर कर कैसे कुछ है। तो इसमें 40 नंबर में देखिए, इसमें सरस्वती होगा, या लक्ष्मी होगा, या गंगा होगा, या यमुना होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा यमुना। ठीक है, ये कालिंदक का पर्यायवाची बनता है। और भी यमुना के पर्यायवाची हैं, जैसे कि अन्य पर्यायवाची क्या है, कृष्णा है, जमुना भी बोलते हैं इसको, कला गंगा भी बोलते हैं, तरण तनुजा भी बोलते हैं। वो लाइन सुनी होगी ना, तरण तनुजा तटमाल तरवर बहुछाए, और रवि तनिया भी बोलते हैं यमुना को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 41 नंबर देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसकी पहली आत्मकथा किसे माना जाता है, इसमें माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। हो सकता है कहीं कहीं बुक में मिले आपको श्याम सुंदर दास, लेकिन अधिकतर बुक्स में मिलता है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली है। अगर आपको हिंदी की पहली आत्मकथा पूछे, आत्मकथा, तो आपको क्या टिक करना है, तब उसका है बनारसी दास जैन। वो इसमें ऑप्शन है ही नहीं पहली बात तो। ये आधुनिक के हैं, लेकिन प्राचीन या केवल हिंदी की बात आए जब हिंदी साहित्य की, तो बनारसी दास जैन होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन आपका है सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधा होना, या फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। 43 नंबर प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। ये मतलब किस टाइप के कवि थे, तो ये प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य का बखान इन्होंने किया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इसमें लाइन से तो आपको पता चल रहा होगा कि तुलसीदास जी हैं, लेकिन इसके तुलसीदास जी नहीं हैं इस पंक्ति के रचनाकार, इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र, पत्र बोलें या पत्रिका बोलें तो एक ही चीज़ है। तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड, पत्र भी पूछे तो यही है, पत्रिका भी पूछे तो यही है हिंदी का। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि बालमुकुंद गुप्त का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, काशी नागरी प्रचारणी सभा रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास का है। तो ये ऑप्शन है आपका इसमें रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और सुन लीजिए, बालमुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है गुप्त निबंधावली, इनके नाम से पता चलता है गुप्त निबंधावली, इसको याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे हैं, इसमें मुख्य रूप से हैं कुटज, आपने पढ़ा होगा, अशोक के फूल, है ना, ये अशोक के फूल और कुटज तो पहले 12th क्लास में भी थी, आपने शायद पढ़ा हो, कल्पलता है, विचार और प्रवाह है। ठीक है, विचार और वितर्क, ये सब इनके हैं। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष पूछ रहा है। तो ये 1893 हुई थी। ठीक है, और जो संस्थापक थे इसके, वैसे तो दो तीन लोग माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है इसका संस्थापक। एक काशी नागरी प्रचारणी है, एक दूसरी और भी सभा है नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, तो वो अलग है, ये अलग है, ये इम्पॉर्टेंट है। 48 नंबर प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, या लल्लू लाल की, या राम प्रसाद
निरंजनी की, प्रेम सागर है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है लल्लू लाल जी, ठीक है, प्रेम सागर इनकी रचना है। और मुंशी सदा सुखलाल की एक रचना पूछी जाती है सुख सागर, सुखलाल है ना, तो सुख सागर इनकी होगी, इनके नाम से पता चलता है। सदल मिश्र की है एक नासिकेतोपाख्यान, वो भी बहुत पूछता है। और डी नंबर है रामप्रसाद निरंजनी, इनकी एक रचना है भाषा योग विशिष्ट, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर ना संज्ञा के भेद होते हैं 5। अब नाम आपको पता ही होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक होता है, और लास्ट होता है समूहवाचक संज्ञा। 50 नंबर प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, जो हिंदी के शब्द हैं उनका जो लिंग है निर्धारण किसके आधार पर होता है, वो होता है संज्ञा के आधार पर, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ना वो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। 51 नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो जनरल पूछा ही जाता है कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगला है 52 नंबर प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण स्थान बताना है, ठीक है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कंठ। देखिए पहली लाइन जो क वर्ग है, क ख ग घ ङ है ना, वो क्या है, कंठ वर्ग है, ठीक है, कंठ तालव्य मूर्धा दंतुष्ट ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, तो कंठ से कौन सा है, इसमें घ है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है हमारा, छ वर्ण किसके योग से बना है, छ वर्ण जो है किसके योग से बना है, क प्लस छ, क प्लस छ, क प्लस छ, क प्लस छ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है क प्लस छ, इसको छ नहीं बोलते हैं, क्ष बोलते हैं, क्ष जैसे कक्षा, ठीक है, क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं बोलते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें शुद्ध वर्तनी का, ठीक है, ए है अस्पृश्यता, दूसरा है अस्पृश्यता या अस्पृश्यता, मतलब सब एक ही है उच्चारण लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है, तो इसमें करेक्ट जो अस्पृश्यता है वो लिखा जाता है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। 56 नंबर प्रश्न है, सॉरी 55 है अभी, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवि का जो स्त्रीलिंग है वो बताना है, ये भी बहुत ही हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है कवयित्री, अक्सर लोग ये लगा देते हैं, ये रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन कवयित्री ये वाला होता है। 56 नंबर, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए तरणी का पर्यायवाची पूछा था ना, पहला ऑप्शन है सूर्य, फिर है नाम, फिर है युवती या फिर नदी, इसमें पूछ रहा है, तरण का पर्यायवाची बनता है सूर्य, सूर्य ए आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, मीन, मीन मतलब मछली से रिलेटेड वर्ड है, तो इसमें क्या होगा, मत्स्य सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। और इसके देखिए अन्य क्या है पर्यायवाची, सफली है या झस भी बोलते हैं, जल भी, इसमें देखिए विभावरी का पर्यायवाची देख लीजिए, विभावरी का पर्याय क्या होता है, रात, है ना, जैसे वो लाइन है ना, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो उसमें विभावरी मतलब रात या रैन की बात होती है, ठीक है, रजनी रात, रैन रात्रि, ये सब होते हैं, निशा यामिनी निभा, ये सब हैं। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, जो भिन्न अर्थ वाला शब्द वो हमें चुनना है। देखिए आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये पुत्री से संबंधित है, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन भार्या, भार्या का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पत्नी, तो ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाता है इसमें। चलिए 59 और 60 नंबर देख लेते हैं, लास्ट हैं, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनुपम 59 नंबर है, इसमें देखिए स्वर्गीय है, लौकिक है, पार्थिव है या अद्वितीय है, अनुपम का मतलब क्या हो, जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके या जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, तो वो अद्वितीय होता है, ठीक है, ये ऑप्शन बनता है। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे अद्वितीय है, अद्भुत भी बोलते हैं, अपूर्व या बोलते हैं, अनोखा भी बोलते हैं, अनूढ़ा, ये सब बोलते हैं इसको। 60 नंबर है, मुहावरा है, कान का कच्चा होना, इसका अर्थ पूछ रहा है,
कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना या दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो इसमें सही ऑप्शन जो बनता है वो आपका सी बनता है, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, ये आपका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसी पेपर का लेकर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।